एक बाजू अली बाबा, दूसरे बाजू 40 चोर है। दिस इज स्टोरी, मोदी अली बाबा है, वो 40 चोर सामने है। स्ट्रेटजी है टू डिवाइड इंडियंस, बराबर है। फिर एक बार डिवाइड हो जाएंगे, फिर अंदर अंदर लड़ेंगे और फिर कांग्रेस बैठ के मलाई खाएगी। ये इंटेंस भारत तोड़ो, नॉट भारत जोड़ो, उसका एम ही है भारत तोड़ो एट एनी कॉस्ट। यहाँ क्या बोलता है, लंदन में जाके क्या बोलता है। टीम नूतनेशन है मुंबई की जान जुहू चौपाटी में, जो फेमस है अपने पाव भाजी और चाट के लिए। लेकिन इस बार इस रंगीन शाम और पाव भाजी चाट के अलावा लोगों से बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र 2024 में इस बार मुंबई का मूड क्या है। तो सीधे बात करते हैं लोगों से, क्या मूड लग रहा है, मुंबईकर का मूड क्या है। फिर एक बार बीजेपी ही है, वही कमल, शिवसेना, उद्धव वाली की शिंदे वाली। BJP has been very good and the kind of development they have done in terms of infra is very very good. So I think BJP should continue and Mr. Fadnavis has done a great job. Shinde Saab has done a great job. Modi ji is doing really well. So I think I would really support BJP to continue with this kind of development in Mumbai. मेरे ख्याल से BJP ही आएगी one side में. One side में BJP. BJP one side. क्या वजह रहेगी BJP के आने की? बस वही हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा और पब्लिक का डिमांड से बीजेपी आज की तारीख बीजेपी हमारे हिसाब से भाजपा आना चाहिए, जिनका काम सही चल रहा है। और ये जातिवाद और ये वो सब खत्म होना चाहिए। क्यों भाजपा क्यों? हिंदू राष्ट्र, हिंदू के हिसाब से वोट आना चाहिए। बीजेपी आएंगी और कहाँ है, और कौन आएगा। उन्होंने वुमेंस लोग के लिए बहुत अच्छा किया है इस बार, इसके लिए मुझे लगता है कि वो सबको वोट उनको ही मिलेगा। प्लान ही इसलिए एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छा है उनके लिए। महाविकास आघाड़ी के पास प्लान नहीं है ना। महाविकास आघाड़ी के पास कोई प्लान नहीं है, प्लान नहीं है, उनका विकास का एजेंडा नहीं है। टीम नूतनेशन महाराष्ट्र चुनाव के ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच चुकी है अंधेरी वेस्ट, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार का क्या माहौल है महाराष्ट्र में। कौन महाराष्ट्र में? डेफिनेटली मैं होशियार में होशियार है, फडणवीस है, ही इज़ अ वेरी क्लेवर फेलो। मैंने उसका बहुत स्टडी भी किया, ये किया और नॉन करप्टेड है। मगर ये बाकी का लोग तो एक बाजू अली बाबा, दूसरे बाजू 40 चोर है। दिस इज स्टोरी, मोदी अली बाबा है, वो 40 चोर सामने है। 40 ये शरद पवार, उद्धव, ममता, यादव, ये सब भेलपुरी, सब 40 चोर है। अच्छा, जैसे कांग्रेस कास्ट सेंसस की भी बात करती है, कास्ट सेंसस इम्पोर्टेंट है आपको क्या लगता है? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। एक स्ट्रेटजी है टू डिवाइड इंडियंस, बराबर है। फिर एक बार डिवाइड हो जाएंगे, फिर अंदर अंदर लड़ेंगे और फिर कांग्रेस बैठ के मलाई खाएगी। ये सेंसस कभी होना ही नहीं चाहिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ईच एंड एवरी इंडियन इज इक्वल, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड ऑल दैट। देयर व्हाई इज टॉकिंग ऑफ कास्ट सेंसस? उसको पॉलिटिक्स खेलना है, सीट कमाना है, उसको हिंदुओं को डिवाइड करना है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आप लग रहा थोड़ा मैच्योर हुए। इंटेंस भारत तोड़ो, नॉट भारत जोड़ो, उसका एम ही है भारत तोड़ो एट एनी कॉस्ट, समझे। यहाँ क्या बोलता है, लंदन में जाके क्या बोलता है, बेशर्म आदमी, वो बेशर्म एक नंबर का। उसका पहले तो उसका दिमाग है कि नहीं, वो सर्च करो, बाद में बोलो। इज नॉट अनफिट, बाहर जाके इंडिया का बुराई करता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपको नहीं लगता थोड़ा सा मैच्योर हुए हैं पहले से? अरे क्या मैच्योर है, उसका तो अच्छा केजी का स्टूडेंट है, क्या बात करना, क्या ये आलू डालो और सोना निकालो, या स्टूडेंट भाई भी नहीं करेगा बात ऐसा। तो मैच्योर हुआ है, पहले 3 साल का था, अभी 3.5 साल का हुआ है, उससे ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। और उद्धव ठाकरे के बारे में क्या बोले? अरे बचाओ हमको, उद्धव बहुत उद्धत है। उद्धत का मतलब है इस बिकाऊ है, वो बिक गया। शरद ने और वो सावंत ने उसको उल्लू बनाया, और वो इज अ सेकंड पप्पू, एक महाराष्ट्र का हो गया, एक वो दिल्ली वाला हो गया। उद्धव को सिर्फ कुर्सी चाहिए, कैसे भी कुर्सी चिपक के बैठना है उसको, और कुछ नहीं चाहिए। फडणवीस वो फिट शिंदे, फडणवीस और शिंदे चाहिए। सबसे मेजर चेंजेस क्या दिखता है मुंबई में पिछले 10 सालों में, जिससे मुंबईकर की लाइफ बहुत आसान हुई है, ईज ऑफ लिविंग हुआ है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? जो सुविधा हुई है लास्ट 10 साल में, आप देखो मेट्रो की 3री लाइन हो गई और एक्वा मेट्रो चालू हुआ है। जैसे ही मैं मरोल बोलता था लोग आने को तैयार नहीं था, आज मरोल सबसे हॉट प्रॉपर्टी हो गई। आप सिर्फ कैमरा घुमा दोगे ना इस गार्डन के अंदर, तो ऐसे 58 गार्डन अंधेरे के अंदर उन्होंने डेवलप किए, जो कि पहले के जो MLA थे उनके कार्यकाल में उस पर ना कब्जा करके कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती थी। वी वॉन्ट क्रिएटेड ए ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, इफ एनी डिफिकल्टीज आर देयर वी हैव टू पुट ऑन अ व्हाट्सएप,
विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स ही विल रिप्लाई। ये टाइम पे तो हमारी युति वाले कंटिन्यू रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, तो कितना सटीक बैठता है मुंबई में? मुंबई में तो 100% सटीक बैठता है, क्योंकि उसने विकास किया हुआ है बीजेपी ने। जैसे अभी इन्होंने मेरे बाजू वाले बोला था ना कि भाई वर्ली में जाओ, उधर जाओ देखो, और इवन तो इधर भी देखो, लाइट्स, रास्ते, पानी की समस्या सब उसने क्लियर कर रहे लोग, हर एक क्या सुविधाएं पहुंच रही है। पूरे महाराष्ट्र में ओवरऑल कौन? हाँ, महाराष्ट्र में तो बस महायुति, बीजेपी, शिंदे, अजित पवार, देश का विकास, सबका विकास। और देखो जितने भी फैसिलिटीज जो दिए इन्होंने अभी मोदी जी ने और इन्होंने, इसमें सबका विकास हुआ है। फैसिलिटीज किसी एक ने नहीं लिया है, एक जाति धर्म ने नहीं लिया है, सभी को ये फैसिलिटीज है।